इस वीडियो में हम देखेंगे 1 = 2 मींस इस वीडियो में कुछ स्टेप्स मैं लिखूंगा एंड एट द एंड ऑफ वीडियो हम प्रूव करेंगे 1 = 2। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है एंड ये ध्यान रखना है कि कहां पर हम स्टेप्स रॉन्ग लिख रहे हैं। सपोज A = B, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब मैं दोनों इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो इट्स A² = AB। अब B² माइनस कर रहा हूं दोनों साइड से, सो इट विल बी A² - B² एंड AB - B²। नाउ ऑन लेफ्ट हैंड साइड A² - B² मीन्स A - B हो जाएगा एंड A + B, और यहां से हम बी कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा A - B से। अगर हम यहाँ पर कट कर रहे हैं A - B, A - B, तो बचेगा A + B = B। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था A = B, तो मैं A की जगह B लिख सकता हूँ, ये हो गया B + B = B, B + B ये हो जाएगा 2B = B, BB को अगर हम काट देंगे तो हो जाएगा 2 = 1। जैसे कि आप पूरी प्रोसेस देख सकते हो कि हमने A = B से स्टार्ट किया था, सो एट द एंड हमें मिल रहा है 1 = 2। तो ऐसा क्यों मिल रहा है, कहां पर हमने फोल्ड किया, अगर आप सोच सकते तो हमने यहां पर कोई एक स्टेप किया है दिस वन। जैसे कि आप अगर जानते हो कि हम कोई भी वेरिएबल या अल्फाबेट को इक्वेशन में कट नहीं करते, बेसिकली क्या करते कि यहाँ पर हमने A - B को कट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि A - B 0 नहीं हो सकता, तभी हम इसको कट कर सकते। अगर 0 होता है तो हम उसको कट नहीं कर सकते। डेफिनेटली यहाँ हमने अगर A - A = B से स्टार्ट किया है तो A - B = 0, यानी कि अगर A - B 0 है तो हम इसको कट नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पर कट कर लिया, इसका मतलब हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल 1 = 2। दैट्स ऑल।